कमना बसलो, कमना होते ब्राह्मणो, कमना होते बसलो। यानी जाति से, जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है और न ब्राह्मण से कोई जाति से, जन्म से कोई ब्राह्मण होता है और न शूद्र होता है, न नीच होता है। ये सब अपने कर्मों से होता है। और ये हकीकत इनके जो वेद हैं उनमें भी ये कहा है कि अगर व्यक्ति अच्छा है, स्वच्छ है, ईमानदार है, सिर्फ वही ब्राह्मण हो सकता है, बाकी सारे लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते। मैं भगवान बुद्ध की उस घटना को याद दिलाना चाहता हूँ जब भगवान बुद्ध ने अपने आप को इतनी तपस्या किया कि पेट में हाथ लगाते तो पीछे पहुँचता था, क्योंकि उनके हड्डियाँ ही थी, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन सुजाता ने जब खीर खिलाई तो उनके शरीर में ताकत आई और उन्होंने ये महसूस किया कि अगर मैं भूखा रहता हूँ तो मैं किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए इस शरीर को कुछ न कुछ मुझे देना पड़ेगा। तब उन्होंने ये मध्यम मार्ग जो है उस वक्त उसी टाइम से उन्होंने मध्यम मार्ग खुद अपनाया और दूसरों को अपनाने के लिए कहा। एक महीने के बाद खाना खाया और उन्होंने एक महीने का खाना रखा और तपस्या के लिए शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि मुझे खीर खाने के बाद एक स्वप्न हुआ था और वो स्वप्न में ये था कि आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा, तो उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आज यहाँ तपस्या करने बैठा हूँ, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अगर मेरी खाल सूख जाती है तो मुझे कोई चिंता नहीं, अगर मेरा ब्रेड सूख जाता है मुझे चिंता नहीं, मेरी हड्डियाँ सूख जाती हैं मुझे चिंता नहीं, लेकिन मैं इस जगह से ज्ञान प्राप्त करके ही हटूंगा। 48 दिन तक वो वहीं बैठे रहे जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत खुश नजर आ रहे थे। 7 दिन वो इसी प्रकार से वहां पर घूमते रहे और ये कहते रहे कि मुझे ज्ञान तो प्राप्त हुआ लेकिन मैं इस ज्ञान को किसी को दे नहीं सकता। उनकी विचारधारा इस प्रकार से थी क्योंकि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो किसी के पास समझने की शक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जो 3 दिन गुरु रह चुके हैं मैं उनके पास जाता हूं। उनके पास भी गए तो मालूम पड़ा कि तीनों गुरु खत्म हो चुके थे। तो अंत में कहा कि मेरे जो शिष्य थे, जो मेरे साथ रहते थे, जो आज सारनाथ में हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ, हो सकता है कि वो मुझे समझ सकें। जब सारनाथ गए उन शिष्यों से मुलाकात हुई, शिष्यों ने उन्हें पकड़ा, अच्छी तरह से स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है, हो सकता है तुम्हारी समझ में ना आए लेकिन फिर भी मैं एक एक करके समझा दूंगा। उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। आज जो हम कुछ करते हैं उसका ही प्रतिफल हमें मिलता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक मापदंड है वो पंचशील है, अगर हर इंसान पंचशील को मानता है तो उसकी उन्नति होना शुरू हो जाता है। तो पंचशील के बारे में बताया कि बिल्कुल सीधा है कि चोरी मत करो, चोरी करोगे पकड़े जाओगे, तुम्हें भी तकलीफ होगी, परिवार को भी तकलीफ होगी। उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से तुम्हें भी परेशानी होगी, परिवार को भी परेशानी होगी। किसी को मारो मत, किसी के साथ व्यभिचार मत करो और कोई भी शराब नशीली चीज मत लो। ये पंचशील थी। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद अष्टांगिक मार्ग है जो इंसान को निर्वाण तक लेके जाता है। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने कहा कि ये ऐसा मार्ग है जो हमें चलना पड़ता है कि 10 पार्वताएं
स्टैंडिंग मार्क और ये फार बताएं आपने मान लिया और इन पर चले तो आपका भला हो सकता है। लेकिन याद रखो कि जब एक ग्वाला गाय को चराता है और शाम को मालिक के घर पे छोड़ देता है तो उस ग्वाले को दूध पीने को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी तो गाय है ही नहीं। तो इसी प्रकार से जब जो बता रहा हूं, जो सिद्धांत है, जो फॉर्मूला है, जब तक आप प्रैक्टिकली उस पर नहीं चलेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। ये उन्होंने उन लोगों को बताया। धर्म बहुत बड़ा विस्तार से कहा जाए तो बहुत है, इसके बारे में तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन अंत में यही कहूंगा कि भीतर बाहर स्वच्छ हो, भीतर बाहर स्वच्छ हो, करें स्वच्छ व्यवहार, सत्य प्रेम करुणा जगे, यही धर्म का सार। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।